हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, और आउटपुट डिवाइस के बाद हम लोग जानेंगे कुछ नोटपैड के जो ऑप्शन रह गए थे उसके बारे में। अब जानिए, सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस की बात करें कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर का काम होता है सर्वप्रथम क्या करना, इनपुट लेना। क्या लेना है? इनपुट। इनपुट के बाद वो क्या करेगा, अपने अंदर प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस के बाद से जो आपको रिजल्ट दिखाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, आउटपुट। इतना क्लियर है ना? जब अपने कंप्यूटर पे काम करें तो अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि हमको क्या करना है, माउस से यहाँ क्लिक करना है। हमने अपने कंप्यूटर अपने माउस को क्या दिया, इंस्ट्रक्शन, निर्देश। तो वो निर्देश देगा किसको, कंप्यूटर को। तो वो प्रोसेस क्या होगा, इनपुट। क्या होगा, इनपुट। और कंप्यूटर उसको उस काम को करेगा, जो काम को करेगा कंप्यूटर वो क्या होगा, प्रोसेस। और जो स्क्रीन पर हम देखेंगे वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। इतना क्लियर है ना? अब इसमें देखिए, सबसे पहले इनपुट डिवाइस में क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज आउटपुट, की आउटपुट क्या है। देखिए यहाँ दे रहा है, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, कि जो प्रोसेसिंग के बाद से जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। कि कहीं भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आउटपुट डिवाइस क्या है, हम ये कहेंगे कि प्रोसेसिंग के पश्चात जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्लियर है ना? साइलेंट करो फोन को, तो आते पहले देख लेना चाहिए फोन साइलेंट पे नहीं, पहले साइलेंट कर देना चाहिए। तो ये आउटपुट क्लियर हो रहा है ना? और देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे, द थर्ड ऑपरेशन, ये कितने नंबर का वर्क है, थर्ड नंबर का। क्या? तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। पहले क्या करते हैं, इनपुट। तो इनपुट कितने नंबर का वर्क होता है, पहले नंबर। दूसरे पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। और फिर तीसरे पे क्या निकलता है, आउटपुट। तो वही बता रहा है कि जो आपका आउटपुट है वो कितने नंबर का प्रोसेस है, कितने नंबर का ऑपरेशन यानी कार्य है, थर्ड नंबर यानी तीसरे नंबर। और आगे कह रहा है, द कंप्यूटर सो द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि जो कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो शो कराता है कब, प्रोसेसिंग के बाद। यानी कह रहा है, ऑपरेशन इन ए वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, कि ऐसे ये रिजल्ट को शो कराता है जिससे कोई भी व्यक्ति क्या कर सके, आसानी से उसको समझ सके। जैसे अगर जब आप 2+2 इनपुट करा दिए, जब आउटपुट के रूप में आएगा तो क्या 4 ही देगा ना, यही देगा ना। कैसे देगा, 1+1+1+1 ऐसे करके देगा, नहीं ना। हमने दिया कि 2+2 कितना होता, रिजल्ट कितना बताएगा, 4, जिसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग आसानी से क्या कर सके, उसको समझ सकते। और आकर डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, जो डाटा होता है ना, जब प्रोसेस हो चुका होता है उस समय जो हम देख पाते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, वही एक प्रकार से देखे तो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। कि कोई भी अगर जब अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराएंगे, जब प्रोसेस हो जाएगा इंफॉर्मेशन के रूप में और जो रिजल्ट हम देख पा रहे होंगे अपने कंप्यूटर पे, वही हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। हाँ, इसके आगे आपको कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम दिखाई देगा। जैसे देखिए, सबसे पहले कह रहा है क्या, स्पीकर। क्या कह रहा है, स्पीकर। उसके नीचे हेडफोन, स्क्रीन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। इन सभी डिवाइस के बारे में पहले समझ लीजिए। स्पीकर आप लोग जानते हैं ना, तो जो क्या करता है, आवाज को बाहर निकालता है। अपने कंप्यूटर पे अगर जो हमको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो किसके माध्यम से करेंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही करते हैं ना। और वो इनपुट डिवाइस क्या होता है, माइक्रोफोन होता है, जो हमारी आवाज को रिकॉर्ड करता है। जैसे आप लोग देखे हैं माइक होता है ना, तो माइक क्या करता है, आपकी आवाज को कंप्यूटर में ला के सेव करता है। जो हमने इनपुट डिवाइस पढ़ाते समय बताया था कि माइक्रोफोन क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो हमारी आवाज को क्या करता है, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। आ रहा समझे ना? जो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा तो वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में हो जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में। और उसी आवाज को हमको सुनना हो एक आउटपुट के रूप में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, स्पीकर। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पीकर।
ध्यान रखिए, कोई भी आपको साउंड यदि सुनना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ, हेडफोन और स्पीकर दोनों सेम होता है। अंतर बस ये है कि स्पीकर लाउडली आवाज के लिए होता है और हेडफोन स्लोली आवाज के लिए होता है। इतना समझ आ रहा है ना कि अगर जो हम स्पीकर का यूज करें तो लाउडली आवाज सुन सकते हैं, और अगर जो हेडफोन का यूज करेंगे तो हम स्लोली आवाज को सुन सकते हैं। और उसके नीचे दिया स्क्रीन यानी कि मॉनिटर। आप एक बात बताइए, जो हम लोग स्क्रीन देख पाते हैं ये मॉनिटर या प्रोजेक्टर के माध्यम से ही देखते हैं ना? किसके माध्यम से? मॉनिटर या प्रोजेक्टर। तो जब हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, माउस को हमने टच किया, कीबोर्ड को हमने टच किया, हमको अपना नाम लिखना अपने कंप्यूटर में, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, और जो हम अपने सामने दिख रहे हैं, हाँ यहाँ हमारा नाम लिखा जा रहा है, तो वो किसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। किसके माध्यम से? आउटपुट डिवाइस, जिसमें आउटपुट डिवाइस में पहला दिया स्क्रीन यानी कि मॉनिटर। अब आप बताइए कि जब भी हम लोग यूज करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? स्क्रीन यानी कि मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं ना, कि मॉनिटर के माध्यम से हम अपना स्क्रीन क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। और इसके आगे जाएंगे तो अगला कह रहा है क्या? प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट। क्यों आउटपुट होगा? जो कंप्यूटर की जानकारी को एक कागज पर प्रिंट करके बाहर निकालता है। कंप्यूटर की जानकारी को क्या करता है? प्रिंटर के माध्यम से एक कागज पर प्रिंट करता है, उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंट। और उसके क्या कह रहा है? क्या? प्रोजेक्टर। तो अभी तो हम जो स्क्रीन देख रहे हैं ये हम मॉनिटर में देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो स्क्रीन देख रहे हैं वो किसके माध्यम से देख रहे हैं? प्रोजेक्टर। किसके माध्यम से? प्रोजेक्टर। तो ये बताइए कि जो भी आपका प्रोजेक्टर है तो क्या वो कुछ इनपुट लेने का काम कर रहा है? कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को किसके माध्यम से दिखा रहा है? एक स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा रहा है। स्क्रीन के माध्यम दिखाई दे रहा है ना, तो ये आप एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। और अगला कह रहा है प्लॉटर्स। अगला क्या कह रहा है? प्लॉटर्स। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपका ये डिवाइस होता है ना, कौन सा? प्रिंटर। कौन सा डिवाइस होता है? प्रिंटर। उसी प्रकार से आपका होता है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या होता है? ध्यान रखिए कि आप लोग अगर जो छोटा कोई पेपर भी प्रिंट करना हो ना, तो प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर का। लेकिन जब बड़े बड़े बैनर्स कोई प्रिंट करने हो, कोई 3D डिजाइन किए गए वो प्रिंट करने हो, वो किसके माध्यम से प्रिंट किया जाएगा? प्लॉटर्स के माध्यम से। वो किसके माध्यम से प्रिंट होता है? प्लॉटर्स। तो ये जितना इनपुट डिवाइस दिया, ये क्लियर हो रहा है ना कि ये स्पीकर क्या है, हेडफोन क्या है, स्क्रीन यानी कि मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है और प्लॉटर्स क्या है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग यही जान लें प्रोजेक्टर के बारे में। इसके बारे में प्रोजेक्टर तो क्या दे रहा? प्रोजेक्टर कह रहा, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक बड़ी स्क्रीन, बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। क्या है ये? एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो एक इमेज को क्या करता है, कोई सफेद स्क्रीन हो या कोई दीवार उस पर प्रोजेक्ट करता है, दिखाने का काम करता है। क्या? अरे, वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में यूज यानी कि प्रयोग किया जा सकता है। अब आप बताइए कि हम जो भी डिस्प्ले देखेंगे एक मॉनिटर के माध्यम से देखेंगे, इतना पता है ना? किसके माध्यम से देखेंगे? मॉनिटर। लेकिन और जो लोगों का बड़ा सा समूह हो और वहां पे यदि हम दिखाने की कोशिश करें मॉनिटर से, तो क्या सबको दिखा पाना पॉसिबल है? और जो क्लास में इतने लोग बैठे हैं और मॉनिटर की स्क्रीन हम आपके तरफ कर दें, तो क्या सबको दिखाई दे जाएगा? ज्यादा ज्यादा कुछ लोग, कुछ ब्रेन से पीछे तक दिखाई देगा, उसके आगे दिखाई नहीं दे। हम चाहते हैं सबको दिखाई दे, तो किसके माध्यम से हम देख पाएंगे? प्रोजेक्टर। और आकर इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम और ऑडिटोरियम में किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए प्रेजेंटेशन देना है, आप लोग मूवी में देखे हैं ना कि जब जो विलन होते हैं ना, अपना जब प्लान बनाते हैं सब ना, तो दिखाते हैं सब कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा तो यहाँ पर हमको इतना करोड़ का बेनिफिट होगा, तो जो स्क्रीन आपको दिखाया जाता है वहां पर ना, वो किसके माध्यम से होता है? प्रोजेक्टर। या जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो वो प्रोजेक्टर के माध्यम से एक बड़े लोगों के समूह को दिखाती है कि ये अगर जो आप हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये बेनिफिट देगा, तभी तो लोग ज्यादा यूज करते हैं ना।
आरा समझे ना, तो कहीं भी किसी प्रोडक्ट का डेमो देना हो या कहीं प्रेजेंटेशन देना हो तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेक्टर का, क्लासरूम या ऑडिटोरियम। और जब आपको क्लास पढ़ाना हुआ है, हम जो प्रोजेक्टर हटा दें और सिर्फ अगर जब हम इस्तेमाल करें मॉनिटर का, तो क्या सबको स्क्रीन देख पाना पॉसिबल है? किसके माध्यम से पॉसिबल है ये प्रोजेक्टर? आखिर प्रोजेक्टर में क्या है? कह रहा है इसकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेस का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, कि इसका जो इमेज है ना वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, उसके लिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेंस का। और आगे कह रहा है इसलिए ये छोटी सी इमेज को बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं। कोई छोटा सा इमेज हो और बड़े स्क्रीन के रूप में दिखाना है, वो किसके माध्यम से संभव है? लेंस के माध्यम से। इसके अंदर लेंस लगा होता है जो छोटी सी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। और आगे कह रहा है क्योंकि इमेज लाइट से बनी होती है, इसलिए इमेज क्या होती है? पारदर्शी होता है। इसका जो इमेज बन रहा है ना, ये किसके माध्यम से बना हुआ है? लाइट के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से बना हुआ है। और यदि इसके सामने अभी कोई कांच रख दिया जाए तो पारदर्शी बन जाएगा, उसके ऊपर स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, बल्कि जहां वो सफेद स्क्रीन पाएगा वहां पे वो स्क्रीन दिखाई देगा। या बीच में कोई ब्लैक सा कोई स्क्रीन लगा दिया जाए ना, उसके पीछे दिखाई नहीं देगा, बल्कि जस्ट वहीं तक वो सीमित रह जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे सपोज के फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ सामने खड़े हो जाएं तो जहां तक हमारा छाया आएगा वहां तक आपको स्क्रीन दिखाई नहीं, क्योंकि वो लाइट हमारे तक ही सीमित रहेगा। वही कह रहा है कि जो इमेजेस होती है वो किससे बनी होती है? लाइट से। इसलिए क्या होती है? ये पारदर्शी होती है। तो प्रोजेक्टर क्या क्लियर हो रहा है ना? प्रोजेक्टर क्या एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, और जो आउटपुट डिवाइस क्या करता है? एक छोटी सी स्क्रीन को बड़े स्क्रीन के रूप में दिखाने में सफल है। और अगला आता है हम लोग का क्या? मॉनिटर। क्या है मॉनिटर? देखिए कह रहा है मॉनिटर को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका मतलब समझिएगा, यह एक इंटरफेस होता है, जो आगे यहाँ भी बता रहा है ये किसके तरह काम करता है। एक इंटरफेस की तरह काम करता है। और इंटरफेस का मतलब यूजर को और सीपीयू को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करने का? जोड़ने का मतलब समझिए, आपके सामने कंप्यूटर लगा दिया गया, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस करने का सारा काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सारा काम कौन करता है? सीपीयू। जो भी डाटा स्टोर करना होता हम किसे, जो सीपीयू होता है उसके अंदर लगे मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये हमने आपको बताया है ना। लेकिन अब आप बताइए कि आप उससे कनेक्ट किस प्रकार से रह पाते हैं? मॉनिटर के माध्यम से ही ना। मॉनिटर हटा दिया जाए तो क्या आप सीपीयू बैठ के कोई काम कर पाएंगे? काम तो सीपीयू ही करेगा, लेकिन क्या हम डायरेक्टली सीपीयू से कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉनिटर होना चाहिए, जो आगे कह रहा है कि जो क्या करता है, सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। और कह रहा है यह एक इंटरफेस की तरह होता है जो सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। यानी कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है, कि जो भी हमारा क्या होगा, सीपीयू होगा और यूजर यानी कि कार्य करने के लिए जो भी व्यक्ति बैठा है उसको आपस में क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। और ये जुड़ा किससे होता है? कह रहा है यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे। जब मदरबोर्ड में जाएंगे ना तो एक वीडियो एडाप्टर होता है। उसमें क्या होता है? वीडियो एडाप्टर होता है जो वीजीए केबल के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। अगर जब अपने मॉनिटर को देखें ना, तो मॉनिटर में दो केबल लगा होता है। मॉनिटर में कितना केबल लगा होता है? दो। पहला पावर केबल होता है। पहला क्या होता है? पावर केबल, जो उसको इलेक्ट्रिसिटी देता है। अगर जो इसको विद्युत देना हो फिर वो कहाँ से आएगा? उसके लिए क्या लगा होता है? पावर केबल। और दूसरा जो लगा होता है ना, वो उसको स्क्रीन दिखाने के लिए लगा होता है, जो क्या होता है? वीजीए होता है। और वीजी का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियोग्राफिक एरे। अब यही वीडियोग्राफिक एरे के माध्यम से क्या होता है? वीडियो एडाप्टर से जुड़ा होता है, जो एक डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। और यही अगर जो वीजी केबल नो लगा है ना, पावर केबल लगा रहेगा तो आपका मॉनिटर ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले दिखाई नहीं दे, इसलिए क्योंकि डिस्प्ले दिखाने के लिए हमने इसमें कोई वीजी केबल नहीं लगा। इतना क्लियर हो रहा है ना कि मॉनिटर क्या है? एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को एक स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है।
और ध्यान रखिएगा, ये मॉनिटर्स कई चार प्रकार के होते हैं। इतने प्रकार के होते हैं? अच्छा, जिसमें सबसे पहला आता है सीआरटी। पहला क्या आता है? सीआरटी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, RRY होता है। कैथोड रे मतलब समझिएगा, लगभग आप लोग देख ही होंगे, जैसे इमेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला मॉनिटर, ऐसे आप लोग पहले के समय मॉनिटर देखेंगे, काफी बड़ा बड़ा सा होता था। टीवी देखे आप लोग ना, टीवी के जैसा पहले मॉनिटर हुआ करता, काफी बड़ा बड़ा साइज का हुआ करता था। वही हमारा क्या होता था? सीआरटी होता था। वही क्या होता था? सीआरटी। क्यों ये बड़ा होता था? तो देखिए इसमें आगे बता रहा है, इस पे लिख रहा है टाइप्स ऑफ मॉनिटर, और इसमें पहला क्या दिया है? सीआरटी मॉनिटर, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं। अब यदि आप देख पा रहे होंगे ना, आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा, इमेज दिख रहा है ना, जब आप जाएंगे ना मॉनिटर के अंदर, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा मॉनिटर का। आप लोग टीवी देखे हैं ना, तो टीवी का पार्ट आप लोग देखते हैं, आगे थोड़ा सा चौड़ा रहता है, और पीछे का पार्ट क्या होता है? पतला हो, इसलिए ना, क्योंकि ये देखिए अभी जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये बिल्कुल टॉर्च के जैसा दिख रहा होगा। किसके जैसा दिख रहा है? टॉर्च के जैसा। क्यों ऐसा होता है? तो इसमें अभी बताया कि इसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, जिसे जनरली क्या कहते हैं? पिक्चर ट्यूब कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पिक्चर ट्यूब। यहाँ पे जो पीछे होता है ना, इसी को पिक्चर ट्यूब कहा जाता है, जो ये प्रकाश देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? प्रकाश, यानी कि यहाँ से लाइट उत्पन्न करता है, और यही लाइट आगे जा करके क्या करता है? डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। कैसे डिस्प्ले दिखाता है? आगे देखिए इसमें बता रहा है, अगला कह रहा है सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करता है, कि अगर जो यहाँ से प्रकाश को उत्सर्जित करना हो ना, उसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है। गन का मतलब क्या होगा? जिससे किसी का मर्डर किया जा सके? नहीं, इसमें एक ऐसा गन लगा होता है ना, जो प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। यहाँ प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, जब प्रकाश को उत्सर्जित करता है ना, तो इतनी तीव्र गति से निकलता है कि इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। आ रहा समझे ना? लेकिन कंट्रोल किससे किया जाता है? तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है, कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि जो प्रकाश निकलता है यहाँ से, बीच में यहाँ पे आप लोग दो छोटा छोटा ऐसे लाइन दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड क्या करता है? इसके स्पीड को कम करने का काम करता है। जैसे आप लोग एक टार्च देखे होंगे, कि अगर जो उसके लाइट को थोड़ा सा तीव्र कर दिया जाए ना, उसका प्रकाश काफी दूर तक जाएगा। क्या होगा? काफी दूर तक जाएगा। और वही अगर जो उसका सामने का जो ये आकार है ना, थोड़ा सा लंबा हो, तो वहीं दूर फैल जाता है। वहीं भी क्या हो जाता है? फैल जाता है। और वही अगर जो थोड़ा सा सामने पतला होना, तो काफी दूर तक जाता है। ऐसा आप लोग कभी देखे हैं? टार्च में क्या होता है कि अगर हम टार्च लें और उसके सामने का जो ये सिर है ना, ये पतला कर दें, जो प्रकाश निकलेगा ना, ये काफी दूर तक चला जाएगा। आ रहा समझे ना? और ये सामने का चौड़ा कर दें, तो प्रकाश दूर तक नहीं जाएगा, बल्कि पास में होकर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। लेकिन वही अगर जो प्रकाश यहाँ से काफी तीव्र गति से निकले ना, तो बिल्कुल तीव्र गति से सामने निकल के चला जाएगा, यहाँ पास में फैलने वाला नहीं। ये जानते हैं क्या होगा? स्क्रीन आधा बीच में दिखाई देगा, आधा ऊपर क्लियर उसे दिखाई नहीं देगा, और आधा नीचे क्लियर उसे दिखाई नहीं। आ रहा समझ में ना? इसी के लिए इसमें लगाया गया था इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड, जो जब यहाँ से प्रकाश निकलता, तो उसके प्रकाश को क्या कर देता? बिल्कुल स्लो कर देगा। प्रकाश को बिल्कुल क्या कर देगा? स्लो कर देगा। और जब धीमी प्रकाश निकलेगा ना, तो आगे जिस चीज से टकराएगा, वहीं वो फैल जाएगा। जहां टकराएगा, वहीं क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है पास की जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। और कह रहा है सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। फास्फोरस की कोडिंग का मतलब समझिएगा, जितना आप लोग ये सीआरटी मॉनिटर या टीवी देखे होंगे ना,
उसका बाहरी हिस्सा आप लोग ऐसे बाहर निकला हुआ देखे होंगे। हल्का सा क्या होता है? बाहर निकला होता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ कोडिंग की जाती है, कुछ उसमें लिक्विड भरे जाते हैं। आ रहा समझ में ना? ये करते क्या है, जैसे इधर से प्रकाश आता है ना, और प्रकाश जैसे इसे टकराते हैं, और ये छोटे छोटे जो भी कोडिंग होते हैं ये क्या होंगे, चमकने लगते हैं। और जब ये चमकने लगे तो वहीं पे आपका क्या होता है, स्क्रीन यानी कि इमेज या लेआउट दिखाई दे। जब कह रहा है क्या उठता भी नहीं है, और एक बार फूट जाता तो कभी दिखता भी नहीं। यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? फूटता भी नहीं है जल्दी, और एक बार जब फूट गया तो उसमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो क्या होता है ना, कंप्रेस करके यानी कि दबा करके ना उसमें कोडिंग की जाती है, पिक्सल को चिपकाया जाता है। आया समझे ना? और जब थोड़ा सा कहीं से भी अगर जो इसमें क्रेक होगा ना, जब थोड़ा सा उसमें एयर बन जाएगा, वो सारा का सारा कोडिंग नीचे आ जाता है, तो वहां पे कोई पिक्सल दिखाई नहीं देता है। तो जब भी हम ऑन करेंगे ना, तो सिर्फ व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देगा, कोई स्क्रीन दिखाई नहीं देगा। आया समझे ना? अब ऐसा ट्राई मत करिए घर जाकर के, हाँ हमारा टीवी तो उसको फोड़ करके देखेंगे। आया समझे ना? ऐसा नहीं करना है। बस ये समझिए उसके अंदर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। आ रहा समझे ना? जो बिना एयर का कंप्रेस करके उसको बनाया गया होता है, जैसे इसमें थोड़ा सा भी एयर आ जाता है, ये जितने भी कंप्रेस किए गए होते हैं, दाब के बनाए गए होते हैं, ये सारा कोडिंग ऊपर से नीचे आके बैठ जाते हैं। तो नीचे का सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, और बाकी का ऊपर का सारा हिस्सा क्या दिखाई देता, व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना? अब जैसे ये पिक्सल टकराते हैं, वैसे पिक्सल क्या होता है, चमकने लगते हैं, और वहीं पे क्या होता है, स्क्रीन या लेआउट दिखाई दे। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता, पता है क्यों? क्योंकि इसका कमी ये था ना, ये काफी वजन में भारी हुआ करता, वजन में क्या था, भारी था। प्लस रखने के लिए इसको ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती थी, रखना हो तो इसके लिए इतना लंबा सा जगह चाहिए होगा ना। हाँ, एक मेज रखना हो, लंबा जगह की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज, ये चलते चलते काफी ज्यादा गर्म हुआ करता था, क्योंकि जब पीछे ज्यादा से ज्यादा जब प्रकाश पड़ेगा ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हीट भी होगा। आ रहा समझ में ना? और जब ये ज्यादा से ज्यादा प्रकाश लेगा, ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च करेगा। आ रहा समझ में ना? जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर जो वही 100 वाट का बल्ब जलाया जाए ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लेता है, और वहां पे वो हीटिंग भी ज्यादा करता है। आ रहा समझ में ना? और वहीं अगर जो एलईडी जलाया जाए, तो क्या होगा, एलईडी जब जलाएंगे तो हीटिंग भी कम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेगा। आ रहा समझ में ना? वैसे ही सीआरटी था, कि इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लेता था, हीट भी ज्यादा करता था, और जगह भी ज्यादा लेता था। इसको देखते हुए बनाया गया एलसीडी। क्या बना उसके पास, एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या दिया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसका इस्तेमाल लिक्विड भर करके एक प्लेट के बीच में, और वो डिस्प्ले दिखाने का काम किया जाए, वो हमारा कौन सा कहलाएगा, एलसीडी कहलाएगा। जो सबके घर में इसमें एलसीडी जरूर लगा हो, यहाँ हमारे घर में टीवी नहीं लगे बल्कि एलसीडी लगेगा, क्योंकि पतला है, दीवार पे कहीं भी लगा सकते, यही है ना। ध्यान दीजिए कह रहा है इसमें कि एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, ये कोई मोटा या लंबा नहीं होता है, बल्कि पतला सा स्क्रीन होता है, और कर इसके नाम से इसके काम का पता लग जाता है क्या। तो इसके ग्राफिक्स प्रदर्शन के लिए लिक्विड फ्लो करते हैं, जब इसका नाम हमने पढ़ा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके नाम से हमको पता लग गया कि इसमें क्या होंगे, लिक्विड फ्लो करेंगे। क्या फ्लो करेंगे, लिक्विड फ्लो करेंगे। और इसका क्या कह रहा है, जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनता है। अब जैसे जैसे ना, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये स्वयं से कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। आप लोग फोन का डिस्प्ले कितने, कोई ऐसे हैं जो तोड़े हैं फोन का डिस्प्ले, हाथ में लेके करके एक एक पार्ट तोड़े हैं, है कोई तोड़े हो? नीचे उसमें कुछ छोटी छोटी एलईडी लाइट लगाए गए होते, पता है किसी को? जब आप लोग फोन का जो डिस्प्ले होता है ना, चाहे फोन का हो चाहे मॉनिटर का हो, जो भी आप डिस्प्ले पतला से देख पा रहे होंगे ना, जो मॉनिटर होता है चाहे कोई फोन का स्क्रीन हो ना, तो नीचे छोटे छोटे एलईडी लाइट लगाए गए। आ रहे समझे ना? क्योंकि जो इसमें डिस्प्ले बनाया जाता है ना, ऐसे दो प्लेट होता है, और इन दोनों प्लेट के बीच में ऐसे इसमें लिक्विड भरा जाता है। आ रहे समझे ना?
जब लिक्विड भरा जाती है खुद से कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, इसके नीचे छोटे छोटे एलईडी लाइट लगाए गए होते हैं, जैसे ही प्रकाश ऊपर जाता है इस पे पड़ता है वैसे वैसे लिक्विड फ्लो करते हैं, और जैसा हम इनपुट देते हैं वैसे एक स्क्रीन के रूप में हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है। इतना समझा रहा है ना? जो आगे आप कह रहा है कि तरल क्रिस्टल के माध्यम से क्या करते हैं आकृति बनाता है, मगर यह कम जगह लेता है। पहले जो मॉनिटर था ना सीआरटी वाला, वो काफी लंबा जगह लेता था, यही था ना। लेकिन जो हमारा क्या है एलसीडी है, ये बिल्कुल पतला सा जगह लेगा, ऐसे आ रहा समझे ना। और फिर आ कह रहा है यह कम ऊर्जा लेता है, और तथा आ क्या कह रहा है पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत हिट होता है। यानी कि इसके पहले जो हम लोग क्या पढ़े सीआरटी पढ़े है ना कैथोड रे ट्यूब, इसके अपेक्षाकृत कम हिट होता है, ज्यादा हिट नहीं होता है। लेकिन आ कह रहा है लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश उत्सर्जित नहीं उत्सर्जन नहीं करते। सीआरटी मॉनिटर क्या था जो पीछे यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा और आगे डिस्प्ले दिखाने का काम कर, हमने यही पढ़ा है ना। लेकिन जो हमारा क्या होता है एलसीडी होता है, ये स्वयं से कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, इसके प्रकाश के लिए यहाँ नीचे क्या लगाए गए होते हैं छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगाए गए होते जो इसको प्रकाश देते हैं, और जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है डिस्प्ले दिखाने का काम। क्लियर है? और इसके बाद से अगला आता है क्या टीएफटी। क्या आता है टीएफटी? टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका इस्तेमाल जानते हैं कहाँ किया जाता है? आप लोग देखें लैपटॉप ना, लैपटॉप की स्क्रीन में टीएफटी का ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पतला होता है, एलसीडी से भी पतला होता है। किससे पतला होता है? एलसीडी से भी पतला स्क्रीन होता है इसका। हाँ, अंतर ये है ना कि एलसीडी को बनाने में लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसमें केमिकल और गैस को मिलाया जाता है। किसको किसको? केमिकल और गैस। ये देखिए कह रहा है टीएफटी मॉनिटर्स में प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ये स्क्रीन होते हैं ना इसके पीछे एक बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा लगा होता है, बिल्कुल कांच के जैसा, जो प्रकाश को क्या करता है परावर्तित करता जाता है। यदि इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा ना तो तुरंत ये क्या करेगा वापस भेजने का काम करेगा। आ रहा समझे ना? जो आप कह रहा है क्या होता है कि जितने भी टीएफटी मॉनिटर्स होते हैं उसमें प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर लगाई गई होती है, और आय कह रहा है सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई। जैसे सीआरटी मॉनिटर था ना कि पीछे से प्रकाश देगा तो सामने वो डिस्प्ले दिखाने का काम करेगा, उसी तकनीक के पे ये बनाया गया कि जब ये हम कहीं एक स्क्रीन लगा देंगे और जब इससे प्रकाश पड़ेगा जब परावर्तित करके सामने देगा तो वही वो डिस्प्ले दिखाने का काम करेगा। जो आय कह रहा है क्या आय कह रहा है जिसमें केमिकल और गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाए, कि केमिकल और गैस दोनों को जब एक में मिलाया जाएगा और एक प्लेट के बीच में रखा जाए तो वही डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है, और अगर आप प्लेट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली की खपत कम करने वाली होती है। ध्यान दीजिएगा जो भी हम लोग मॉनिटर यूज कर रहे हैं ना, अगर ये छोटी सी बैटरी से हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगा ना। लैपटॉप की बैटरी ले लें और इसे उन्हें चलाने की कोशिश करेंगे, इसको तो नहीं चलने वाला नहीं, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी हाई पावर की आवश्यकता पड़ेगी। और वही यदि आप लोग देखे होंगे जो लैपटॉप होता है उसका स्क्रीन क्या होता है, एक छोटी सी बैटरी से ही जल जाता है, दिखाई देता है ना, क्योंकि लैपटॉप में क्या लगी होती है बैटरी लगी होती है जिसके मदद से आपको डिस्प्ले दिखाई दे, और वो वजन इतना पतला होता है। इसी ध्यान दीजिएगा इसमें जितने भी आप लोग लैपटॉप देखेंगे ना, पहले के लैपटॉप काफी वजन में आता था, लेकिन इस समय जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं ना 800 ग्राम का, 1 किलो का, 1 किलो 200 का, ऐसे करके आप लेकर इसमें जितने भी आप लोग लैपटॉप खरीदेंगे ना इन सब के वजन क्या होते हैं बिल्कुल कम होते हैं। तो कम होने का संभव किससे हुआ है? क्योंकि जो भी उसमें लगाए जाते हैं मॉनिटर उसका डिस्प्ले हो या और भी चीजें, उसका वजन क्या होने लगी हल्की होने लगी, बाकी और चीजें हल्की हो लेकिन उसका डिस्प्ले थोड़ा सा वजन में भारी है। क्या लैपटॉप जो होगा वो हल्का होगा, भारी होगा कि नहीं होगा? तो लैपटॉप में जो स्क्रीन यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है? टीएफटी का। किसका? टीएफटी। और टीएफटी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और बस अंतर ये एलसीडी में और इसमें कि एलसीडी में क्रिस्टल लिक्विड भरे जाते हैं, तो टीएफटी में क्या भरे जाते हैं केमिकल और गैस भरे जाते हैं। जिसमें केमिकल और गैस भरे जाते हैं ना उसका एक आप लोग लक्षण देखिएगा,
जब आपका एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले है ना, और जब कहीं थोड़ा सा क्रेक हो जाता है ना, अपने आप वो ब्लैक ब्लैक सा बढ़ता हुआ चला जाता है। मोबाइल में होता है ना, मोबाइल में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, टीएफटी का है। समझिए क्या होता है कि जब हम मॉनिटर कोई भी स्क्रीन हो, जब एक बार कहीं किसी कारण से दब गया, प्रेस हो गया, टूट गया, वहां पे जब एक जगह कहीं क्रेक हो जाता है ना, धीरे 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 क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे चारों। आज समझे ना, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर का गैस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। और जैसे जैसे उसका गैस निकलता जाएगा, वैसे वैसे डिस्प्ले दिखाना क्या करता जाएगा, बंद करता। आज समझे ना, और लगातार यदि इसको यूज करते रहे, तो एक समय ऐसा है कि इसके अंदर का सारा लिक्विड क्या होगा, बाहर निकल जाए, सारा गैस बाहर निकल जाएगा और एक कोई डिस्प्ले दिखाने लायक। क्लियर है ना? हाँ, तो अब फोन को फिर तोड़िएगा नहीं। हाँ, तोड़ करके देखें आज, थोड़ा सा तोड़ने से कल और रहेगा नहीं रहेगा, है ना? ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और इसके बाद लास्ट आता है इसमें, क्या है, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या दिया है, लाइट इमिटिंग इमिटिंग डायोड। अब ये इमिटिंग डायोड क्या है, तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखे हैं जब बड़े बड़े चौराहे पे जाएंगे ना शहरों में, तो एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया होता Yes। है, यहाँ सुभाष चौक पे लगाया गया था, पता है आप लोग देखे हैं, इस समय तो नहीं चलता। हाँ, गोरखपुर में ज्यादा लगा हुआ है, पूरे जहां जहां मोड़ पे आप लोग जाएंगे चौराहे पर ना, वहां आपको मिलेगी। और वो भिगने से भी जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि वो छोटे छोटे लाइट से बनी होती है। लाइट पता है कौन सा लगाया जाता है, जब आप लोग भी छोटे होंगे ना, तो मार्केट में गए होंगे ना, तो छोटी छोटी लाइट खरीद के लाए होंगे, जो दो कलर तीन कलर का जलता बुझता रहता है। अरे समझे ना, वो तीन कलर का जलता बुझता रहता है, उसी एलईडी से जोड़ करके बनाया जाता है क्या, एलईडी, जिसको बोला जाता है क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। हाँ, और इसी का इस्तेमाल पहले किया जाता था छोटे फोन के डिस्प्ले में, जो फोटा छोटा फोन का डिस्प्ले आता था ना, उसमें किया जाता था। अंतर पता है क्या होता था, आप लोग छोटा वाला फोन का जितने लोग यूज किए होंगे ना, देखे होंगे, पहले उसी फोन का यूज किया जाता था मूवी देखने के लिए ना, सामने से देखें बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा, और थोड़ा सा साइड से देखें तो ब्लैक ब्लैक से दिखाई देगा। याद है किसी को, कितने लोग देखे हैं इसमें, देखे हैं ना, क्योंकि वो किससे बना होता है, एलईडी से बना होता है, क्योंकि सामने देखें तो बिल्कुल अपना सामने प्रकाश दे रहा है, तो सामने स्क्रीन दिखाई देगा, लेकिन जब साइड से देखेंगे वही ब्लैक ब्लैक से दिखाई देगा। क्यों? जब कह रहा है एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखा रहा है। कि जैसे इसको क्या दिया जाएगा, विद्युत करंट दिया जाएगा ना, वैसे ये क्या करेगा, लाइट पास करेगा, लाइट देगा, और उसी के माध्यम से वो क्या करेगा, डिस्प्ले दिखाएगा। और कह रहा है एलईडी को आईआरईडी यानी कि इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरी या नीली होती है, कि जो उसके अंदर छोटे छोटे जो बल्ब लगाए गए होते हैं ना, वो मात्र तीन कलर के जलते हैं, कौन कौन सा, लाल, हरी और नीली। और आ कह रहा है एलईडी में दो सेमीकंडक्टर होते हैं, पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और आगे कह रहा है इनका वजन एलसीडी से भी ज्यादा हल्का होता है, और साथ ही ये उनसे ज्यादा पतली होती है। अब हाँ, ध्यान दीजिएगा कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्प्ले होगा, वो आप कितना भी साइड से देखिए तो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्प्ले होगा, वो अगर जो सामने से देखें तो क्लीन दिखाई देगा, लेकिन जब साइड से देखें तो ब्लैक ब्लैक से दिखाई देगा। क्लियर है ना? तो अभी आज हमने आपको सिर्फ बताया आउटपुट डिवाइस में क्या, मॉनिटर के बारे में, किसके बारे में, मॉनिटर, यानी कि सबसे पहले हमने आपको बताया प्रोजेक्टर, पहला क्या था, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के बाद से दूसरा हमने आपको क्या बताया, मॉनिटर। क्या है मॉनिटर, तो यह एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो क्या करता है, सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को एक स्क्रीन के रूप में दिखाने का काम करता है, और यह क्या करता है, यूजर और सीपीयू का आपस में जोड़ने का भी काम, जिसमें अगला हमने आपको बताया क्या, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी के बाद हमने आपको बताया क्या, एलसीडी। एलसीडी के बाद से टीएफटी, टीएफटी के बाद से एलईडी, और इसके बाद हम लोग अगला आता है क्या, ये आज आप लोग बुक्स से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। क्लियर सबको ना? बाकी अगली क्लास आपको बताएंगे प्रिंटर।
यस।